हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शादी से पहले कई कई लड़के ना अपनी आदत छुपा लेते कि हम तो दारू पीते नहीं। फिर जब ससुर के साथ बैठे पैग बना रहे थे ना, फिर ससुर पूछता है, बेटे आपने बताया नहीं आप दारू पी लेते? तो कहता, आपने बताया था आपकी बेटी खून पी लेती है। अच्छा, आप में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जासूसी करते हैं या शक करते हैं? जी भाई साहब। गुड इवनिंग कपिल जी। वेरी गुड इवनिंग। हिम्मत करके मैं भी आज कुछ बोल ही लेता हूँ। बोल दो सर। शादी को 6 साल हो गए हैं। अच्छा। और बीवी मेरी साथ में ही अभी। अच्छा, इधर वाली की इधर वाली? लेफ्ट साइड वाली। अच्छा जी। और आज तक जासूसी हो तो उनके खून में है, औरतों के, बीवियों के, सॉरी अपने बीवी। यस यस एग्जैक्टली। मैं बिजनेसमैन हूँ। सुबह में कई बार लंबा कॉल चलता है तो किससे बात करो, क्या है क्या नहीं, वो पूछती रहती है। कई बार कुछ मूड बन गया, परफ्यूम ज़्यादा लगा के निकल गया तो। किस चीज़ का मूड बनता है आपका सर जब ज़्यादा परफ्यूम लगाते हैं आप? सर जैसे कि मूड बन गया कि आज परफ्यूम लगाना है, ये वाला फ्लेवर लगाना है, ये छोड़ के ये लगाना है, ऐसा। अच्छा। मूड बन गया तो जब तक ऑफिस ना पहुँचूँ तब तक 10 बारी फ़ोन कर लेती है, कहाँ पे पहुँचे, अभी तक पहुँचे नहीं, कहाँ हो क्या नहीं। मैंने बोला कि ऑफिस पहुँच गया हूँ। अच्छा। फिर वो मेरे कलीग को फ़ोन करती है कि भाई ये ऑफिस पे आ गए, ऑफिस पे ये काम कर रहे नहीं कर रहे। जस्ट ये मीठी जासूसी करती है सर, क्योंकि मुझे उसके साथ ही रहना है तो ज़्यादा उसकी वो नहीं करूँगा। मीठी जासूसी करती रहती है। मीठी जासूसी। तो सर अभी वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। Thank मेरे हिसाब से आप एक बार कुछ बोल दोगे तो मेरा काम इजी हो जाएगा। मेरे कहने से थोड़ी ना हटेंगी जो 6 साल से नहीं हटी, मेरे कहने से कैसे हट जाएगी? सर ट्राई करके देखिए, मेरा काम बन जाए तो। कैसी हैं आप? नमस्ते सर। आप जो कर रही हैं करते रहिए, आदमी का कोई भरोसा नहीं। तो आपको किस चीज पे शक होता है? आपने कभी मतलब ऐसे कुछ संदिग्ध अवस्था में देखा है इनको? कभी किसी लड़की से बात करते हुए देखा क्या? वो कभी मैसेज पढ़ लिया हो इनका या इनका फोन में देख लिया हो कुछ ऐसा वैसा? नहीं सर, हमारी शादी को 6 साल हो गए जी। तो 3 साल तक तो मैं परफ्यूम जो भी लाती थी वो लगाते थे, कपड़े की शॉपिंग करती थी तो वही पहनते थे। अच्छा। और आजकल तो सब उसकी पसंद की सब चीजें खरीदते हैं, लगाते हैं सब कुछ। तो अपनी मर्जी का परफ्यूम भी ना लगाया आदमी सर। तो 3 साल से तो लगाते थे तो 3 साल पहले उन्होंने आपको रिस्पेक्ट दी ना कि चलो आप तुम्हारे हिसाब से। बेचारे इस चक्कर में लेडीज परफ्यूम लगाते रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो अभी अगर वो लगा रहे हैं तो लगाने दो उनको। तो मतलब आपको इस बात पे शक है कि अब ये अपनी मर्जी से काम करने लगे हैं? हाँ। अचानक से रोमांटिक हो जाते हैं, मतलब पहले से ज्यादा। नहीं, अचानक से रोमांटिक होता है आदमी। 1 महीने का नोटिस दे आपको कि मैं 30 तारीख को रोमांटिक होऊंगा। एक काम करो ना भाई साहब, अगर भाभी जी आप पे शक कर ही नहीं है तो एक आध फेर कर ही लो, अब तो हो ही रहा है। सर एक जैसे तैसे संभाल पा रहा हूँ, दूसरी किधर से संभाल पाऊंगा? आपके बच्चे भी हैं? नहीं सर, अभी तक नहीं है। अच्छा, तो एक्चुअली जब बच्चे हो जाएंगे ना तो इनका ध्यान अपने आप डाइवर्ट हो जाएगा। उसके बाद व्हाट्सएप। थैंक यू वेरी मच सर। पर बहुत क्यूट जोड़ी है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त इस मुद्दे पर विशेष टिप्पणी करना चाहते? जी मैम आइए। हेलो कपिल, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। ये शक पे मेरे साथ भी एक ऐसा वाक्य हुआ है। मेरी शादी हुई थी, थोड़ी देर हुई। अच्छा, 2-4 मिनट। अच्छा, तो घर में सास बहू के, ननद भाभी के झगड़े तो चलते रहते हैं। हाँ जी, वो मैंडेटरी हैं जी। इसी में मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। अच्छा। तो मैंने सोचा कि चलो मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में जाके थोड़ी भगवान से प्रेयर करते हैं जी। तो बिना बताए घर से चली जाती थी, तो इसी में मेरी ननद को मेरे पे शक हो गया। अच्छा। उसने अपना बॉयफ्रेंड मेरे पीछे लगा दिया। आपकी ननद ने? तो फिर? तो वो मैं काफ़ी दिन जाती रही, वो मेरे पीछे आता रहा। मैं उसको चेक किया थोड़े दिन। अच्छा। तो एक दिन वो मेरे पास बैठ गया मंदिर में। मैंने उससे पूछ लिया कि आप मेरे पीछे क्यों आते हो? हाँ। तो कहता है कि आपकी ननद के साथ मेरा रिश्ता है और मैं उसने मेरे को भेजा हुआ है आपके पीछे। अच्छा। देखने के लिए कि आप कहाँ जाते हो। तो मतलब पकड़ना आपको चाहती थी, पकड़ी खुद गई ननद। वही हुआ ना, शक मुझ पे किया और उसका खुद का रिश्ता उसके साथ टूट गया। फिर आपने? अच्छा, उसके साथ रिश्ता टूट गया। उसने, लड़के ने बोला ना, जो अपनी भाभी पे शक करती है तो वो मेरे साथ जिंदगी में क्या करेगी। पॉइंट था वैलिड। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। जी और कोई मेरे दोस्त? नमस्ते कपिल पाजी। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया जी। कहाँ से आए आप? मैं हरियाणा से आया हूँ जी। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ पाजी कि मैं, जो मेरा फ्रेंड था, उसकी गर्लफ्रेंड मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं उसको बहुत लाइक करता था, तो मैं अपनी दोस्त की बुराई उसके सामने करता कि यार ये तो बहुत गंदा है, तेरे लायक नहीं है, ऐसा है वैसा है। वो बोलती नहीं यार मुझे तो नहीं लगता कि ये ऐसा वैसा है, मुझे तो बहुत क्यूट लगता है। मैं चल ठीक है मैं तुझे प्रूफ करके दिखाता हूँ ये कैसा है। तो पाजी मैंने उसकी जासूसी करनी स्टार्ट कर दी। अच्छा। वो जहाँ भी जाता उसके पास जाता, उसका फ़ोन देखता, क्योंकि दोस्त तो था ही अपना। तो एक दिन मैं उसको बोला भाई तू मुझको एक बात बता, तू उस लड़की को सच में प्यार करता है क्या ऐसे ही टाइम पास करता है? कपिल पाजी आपको तो पता ही है लड़के से कोई लड़का पूछा तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में तो पर्सनैलिटी खूब झाड़ता है। हाँ। बोलता नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी चेप हुई है ठीक है, तेरे भाई के पीछे तो आगे पीछे बहुत लड़कियाँ घूमती है। मैं खुश हुआ पाजी वाह मन की बात। यार मैं उसकी बात रिकॉर्ड करता था पाजी। रिकॉर्ड कर ली? हाँ। तो मैंने उस लड़की को भेजा वो मैसेज। अच्छा। रिकॉर्डिंग का। तो उस लड़की का रिप्लाई आया 1 घंटे बाद कि सभी लड़के ऐसे होते हैं, मैंने भी सर पाजी चौका मार दिया टाइमिंग पे। मैं बोला सब लड़कों को तो पता नहीं पर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तुझे बहुत लाइक करता हूँ, इस तेरी केयर करता हूँ, इसलिए तेरे पास रिकॉर्डिंग भेजी है। अच्छा। पाजी दोस्त तो आउट हो गया, लड़की इन हो गई। अच्छा ये भी हो गया, अच्छी बात है कि आपकी थोड़ी बात, अगर वो आपको ये बोलती नहीं कि सब लड़के ऐसे होते हैं, आपने प्रूफ भेजा तो सीधा अगर लिख के थैंक यू भैया बोल देती आपको तो आपका दोस्त भी गया था तो लड़की भी गई थी। नहीं सर कुछ रिस्पॉन्स था इसलिए किया मैंने उसके लिए कुछ। अच्छा। रिस्पॉन्स देती थी थोड़ा सा। बड़ा अच्छा फ्रेंड सर्कल है आपका। सारे एक दूसरे को रिस्पॉन्स दे रहे। आप सब गवाह हैं, मुझे सोनाक्षी ने सोनी टीवी पे 2 बार राखी बांधी है। मुझे अभी गुस्सा भी नहीं लगता, फिर चलो हो गया अब जो होना था। हाँ तो पर मुझे समझ में नहीं आता कि सोनाक्षी किस चीज़ से इम्प्रेस होगी। जो भी मेरा भाई आएगा, भाई नहीं जीजा जी अभी तो हो गए, क्योंकि मैंने सोनाक्षी को ड्रम बजा के भी दिखाया, गाना भी गाया, शो भी मेरा नंबर 1 चल रहा है। तो समझ नहीं आया। अच्छा मैं यहाँ पे बैठे जितने भी हमारे दोस्त हैं लड़कों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप को क्या लगता है कि लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए? कोई है मेरा दोस्त? अच्छा कहां से आए आप ब्रदर? हरियाणा से। अच्छा। सच बताऊं कपिल सर, जिंदगी इतनी तेजी से भाग रही है समझ ही नहीं आ रहा लड़कियों को क्या पसंद आना चाहिए। जैसे पहले जमाने में लड़का लड़की को लुक देता है या विलन से बचाता है तो इम्प्रेस हो जाती थी। आज के जमाने में अगर लड़का लड़की को लुक देता है तो ऐसे इग्नोर करेगी जैसे उसकी कंघी चुरा ली हो। आपके साथ हुआ ऐसा कभी? ट्राई नहीं किया, ट्राई करके देखो। तो अभी मतलब आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है? है। तो कैसे इम्प्रेस किया था आपने उनको? जैसे पुराने जमाने में फूल देकर इम्प्रेस करते थे वैसे ही मैंने उसको गुलाब दिया। फिर बोलती है मेरे को चॉकलेट चाहिए, तो ले देते यार। फिर क्या दे दी, तो उसके बाद कहती है ये चाहिए। तो फाइनली मैंने कुछ बड़ा सोचा कि कुछ एक बड़ा सा गुलदस्ता लेके जाता हूँ, स्पेशली लिलीज फ्लावर्स। अच्छा। और सोचा कुछ बड़ा होगा, लेकिन वही रिटर्न में सिर्फ थैंक यू मिला। तो रिटर्न में क्या चाहते हैं आप? गर्लफ्रेंड बन जाए। अच्छा। हाँ। तो एक दिन गलती से उसके नंबर पे 100 रुपये का रिचार्ज हो गया, तो जैसे ही उसके नंबर पे रिचार्ज होता है तुरंत रिप्लाई आता है आई लव यू। तो उस दिन के बाद से वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई, रात भर बातें होती है। फाइनली बता इसमें झूठ कितना है सच कितना है? तू फेंके जा रहा है तनादन। नो सर। मेरी बात सुन भाई। यस सर। अगर 100 के रिचार्ज में तुमसे इम्प्रेस हो गई ना, किसी ने 200 का करा दिया ना कल को। ये क्या? पर चलो कोई बात नहीं, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। 100 रुपए में बढ़ गई नारी शक्ति जिंदाबाद जी। क्या क्या? अच्छा फूलों वाली मोहतरमा तुमने बोला क्या था? मेरे को तो फिर वो पट गया। क्या बोला? मैंने ये बोला कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे 100 रुपए से लड़की पट गई। अब लड़की ऐसी तो नहीं होगी कि वो 100 रुपए में तो पट जाएगी। देखो अगर लड़की को इम्प्रेस करना है ना, लड़की ने पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, सोचो मत बोल दो एकदम सोनाक्षी लग रही हो। अब देखो बंदे ये तो बोल देंगे सोनाक्षी लग रही है, वो लड़की आगे उनको जॉन कैसे बोलेगी? तो ये है। और जैसे कि जॉन सर जैसे जिसकी बॉडी हो, कपिल जैसी स्माइल हो, उनको ट्राई करना नहीं पड़ता है। तो मतलब मैं हाँ समझू? हंसी तो फंसी। क्या समझू इसे मैं? आप डांस कर लीजिए मेरे साथ। आपने मेरे बारे में रिसर्च नहीं की? मैंने तो अपनी फिल्म खराब कर दी थी डांस के चक्कर में। 2 डायरेक्टर थे अब्बास मस्तान, वो नहीं करवा पाए। एक कोरियोग्राफर अलग से थे। मुझे डांस नहीं आता दीदी, सॉरी। I want to say something। और फिर पूछता ही भाई क्यों बना देती हो? आज से मैं ऐलान करता हूँ ये जगत भैया है, जगत भैया। तो जो कोई ओए बैठो एक सेकंड। ये सोनाक्षी के साइड इफेक्ट्स हैं। मेरे मुंह से दीदी निकल गया। मुझे आपका नाम नहीं आपने बताया। दिशा। दिशा, मैं इसी दिशा में जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप आई। आप क्या करती हैं दिशा? मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, बीएमएम कर रही हूँ। अच्छा, बैचलर इन मास मीडिया। या। गुड कॉन्फिडेंस। थैंक यू। अच्छा, जैसे दिशा एक बात बताओ, जैसे बैचलर इन मास मीडिया होता है, वैसे मैरिड इन मास मीडिया भी होता है? अरे तुम तो शर्मा गई। क्योंकि मैं शर्मा हूँ ना। That's a good one. दिशा शर्मा। सरनेम भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। Very good. भाई बहन का भी सरनेम सेम ही तो होता है। दिशा सही बोला दीदी। ये हमारे प्यार में घुसपैठ कर रही है। तुम कैसी बहन हो? एक तो खुद भाई बनाती हो, दूसरों को भाई। मैं मर जाऊं? तुमने दीदी बोला उसको। मैंने प्यार से बोला था दी। दिशा शॉर्ट में बोला दी। दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट आ गया था। तूने दीदी थोड़ा ना बोला, तूने तो अफरीदी बोला था। आप अभी तक गए नहीं। शुक्रिया, थैंक यू। पर यू आर राइट, आई एम विद यू। थैंक यू, थैंक यू दिशा, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू ब्रदर। और कोई मेरा दोस्त इस मुद्दे पे कोई विशेष टिप्पणी करना चाहता हो? जी भाई साहब। हेलो कपिल बाजी। हेलो। हेलो सिद्धू बाजी। हेलो जी। हेलो सोनाक्षी एंड हेलो जॉन अब्राहम। तू ऐसी कमीज पहन रखी है, मेरे को तो लग रहा है बल्ब ही लगा लेता। तो आपको सब पता है लड़कियों के बारे में? नहीं, सब तो नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है, वो ट्राई कर लेते हैं। अच्छा प्लीज। एक्चुअली क्या है कि कहाँ से आए आप? यूपी से। यूपी में कहाँ से? यूपी में आगरा। आगरा से। कब छूटे? बहुत टाइम हो गया छूटे हुए। जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या होता है कपिल बाजी, करना तो बहुत कुछ पड़ता है, लेकिन सबसे पहले दिमाग से सोचने की जरूरत है। अच्छा। क्या कि अपने को पता होना चाहिए कि किस लड़की को इम्प्रेस करना है। राइट। तो उसके लिए क्या होता है, एक सिलेक्शन प्रोसेस है। हर एक खूबसूरत लड़की की 2 बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, एक जो उससे थोड़ी कम खूबसूरत है, एक उससे भी कम थोड़ी। रिसर्च अच्छी है बंदे की। तो पहली वाली जो टॉप लेवल है वो अपने को पता होता है अपने लिए है ही नहीं, तो उस पर ट्राई करना ही नहीं है। फोकस सीधे दूसरी पे। दूसरी ट्राई करनी है। तो उसके लिए क्या है, लड़की को डायरेक्टली इंप्रेस करने से अच्छा पहले उसकी फ्रेंड से बात करना शुरू करो, उसको बहन बना लो। उसको बहन बना लो, उससे बात करना शुरू कर दो, उसके थ्रू आपको नंबर मिल जाएगा। क्या आइडिया लगाया चमकू। पर क्या बात है बाजी, बंदे की रिसर्च अच्छी है। फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि आपने नंबर ले लिया, बात करना शुरू कर दी। फिर लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सबसे अच्छा, सबसे जरूरी है उसकी केयर करना। केयर कैसे करना है? आपको सुबह उठते ही सबसे पहले गुड मॉर्निंग का मैसेज जाना चाहिए। और किस तरीके से केयर कर सकते हैं? उसकी जुएं निकालें? जुएं निकालोगे तो वो केयर नहीं बनेगी। जुएं निकालोगे तो लगेगा बस वो पीछे और कुछ नहीं है। केयर करोगे, पैम्पर करो उसकी, हर चीजों को, सब चीज देखो उसकी, और उसको गिफ्ट देना फिर बहुत जरूरी है। तो गिफ्ट में क्या चीजें देने चाहिए पंडित जी? गिफ्ट में उसको बहुत सारी ड्रेसेस, डिजाइनर ड्रेसेस देके वो तो वो सब देना है, चॉकलेट्स देनी है, फ्लावर्स देने हैं। और फिर लड़का अगर काम ना करता हो, बेकार हो, तो बेकार होगा तो वैसी लड़की उसके साथ नहीं पटेगी ना, करना ही पड़ेगा उसको। उसके लिए कुछ भी कहो, चमकू चालू है, मैं बता रहा हूँ तुझे। आपका नाम क्या? जमाना है शत्रुबाजी बनना पड़ता है आजकल। क्या नाम क्या ब्रदर आपका? नितिन। नितिन गर्ग। कितनी गर्लफ्रेंड्स है आपकी? वो रिवील नहीं कर सकता यहाँ पे। क्यों? वरना लड़ाई हो जाएगी ना उधर। अच्छा, ये फुल पीएचडी करके आया है लड़की पटाने में। नितिन, हाथ में आपने धागा वागा पहना है, पूरी प्रेजेंटेशन आपकी धार्मिक है। बहनों को भी साथ लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं से तो फोकस सेट हुआ है ना अपना। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। आगरा में एक ताजमहल तो शाहजहां ने बनाया, दूसरा ये बनवाएगा। पर नितिन बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत शुक्रिया जो मैं आने के लिए। लव यू। और कोई मेरे दोस्त जी, क्या नाम है आपका? रोमियो। जीवन लोहार। जी जीवन जी, बोलिए। सर पहले तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है सर, मैम के और सर के सामने मैं बात कर रहा हूँ। मुझे जरा फिर बैठ जाओ। अगर तुम्हें बिलीव ही नहीं है, बिलीव पे तो दुनिया टिकी है। आपको क्या लगता है हमने डुप्लीकेट बिठाए हुए हैं भाई? ऐसा नहीं, जरा मुझे पीछे से कोई मार देगा तो पता चल जाएगा। मार भाई मार, मारो भाई, मारो भाई, अरे और मारो। सर और मैम से दोनों में से कोई एक। ये मारेंगे तो बचोगे या नहीं बचोगे वो नहीं पता, बट मैं मार सकती हूँ। इतना क्यों शौक है सोनाक्षी, लड़के पीटने का? क्यों लड़कों को पीटती हो? घर में बाबा ही नहीं है क्या? मतलब थोड़ा तर्स किया करो, रहम किया करो। घर पे सिर्फ खामोश सुनने मिलता है, अब क्या करूं? अच्छा तो आपका क्या विचार है इस मामले में, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा विचार यह है कि सब लोग फ्लावर देके या चॉकलेट देके लड़की को इम्प्रेस करते जी, पर मेरा विचार यह है कि लड़की को अपने दुख के बारे में बता के उसको इम्प्रेस करना चाहिए। जो अपने लाइफ की प्रॉब्लम है उस सबको बता के, मतलब उसकी भी क्या problem... मतलब लड़की को मिलने जाओ, उसको कहो मेरे इधर फोड़ा हुआ है। ये सब बातें क्या बोलेंगे? क्या कोई एग्जांपल तो दो, तीन चार। जैसे फैमिली में कोई लाइक नहीं करता है, आप मुझे लाइक करेंगे तो ज्यादा अच्छा। वो बोले कि फैमिली में नहीं तुम्हें कोई लाइक करता तो मैं क्यों करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए, थैंक यू। नितिन आप बड़ा कमाल का बोलते हो, मेरे पास आपके लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट है। आइए। आप कहते हो ना कि आप लड़कियों को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना पड़ता है। ये लो, मैं कहता हूँ जितने मर्जी एसएमएस करो, लेकिन रिचार्ज आप अपने पैसों से करवाना, ठीक है? थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छा ये आप लोग कहाँ से आए? आपकी टी शर्ट पे मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, हमारे शो का नाम लिखा हुआ है। वाह वाह। सोनाक्षी सर, हार्ट फॉर यू। लुक She made a hurt for me. Hurt no heart. I'll make a hurt for you. Again you hurt me. Yeah. She made a heart for me. कहाँ से हैं आप लोग? सर गुजरात से। गुजरात में कहाँ से? बड़ौदा, आणंद से। क्या करते हैं आप सब लोग? सर हम लोग अभी कॉलेज में हैं। अच्छा। MBA चल रहा है अभी हम लोग, MBA + IT। आप सब एक ही कॉलेज में हैं? हाँ एक ही क्लास में। तुमको MBA का असली मतलब पता है? मने बद्दू एवरेज। क्या आता है भाजी? MBA का असली मतलब है मैरिड बट अवेलेबल। हमको बड़ा पता है तुमको भाजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए, थैंक यू सो मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।